आगे कारण नीति हम लोग का मांग है कि दो महीना पहले जब हम लोग की पति से मिले हुए थे तो तीन सदस्य जांच कमेटी गठित किया था, अभी तक उसके हमले नहीं किया गया, जांच अभी तक शुरू नहीं। हम लोग का मांग है कि हमें पिस्टल वाला प्रिंसिपल नहीं चाहिए, हमें कलम वाला प्रिंसिपल चाहिए। पिस्टल से चाहते हैं, पिस्टल से चाहते हैं छात्रों को डराना धमकाना, तो हमें नहीं चाहिए, हमें कलम का प्रिंसिपल चाहिए। हम क्लास लिए हैं सर, प्रिंसिपल सर, एक भी क्लास नहीं लिए, एक भी क्लास कॉलेज में नहीं चलता। अगर आप पिस्टल रखते हैं सुरक्षा के लिए, पिस्टल से महाविद्यालय का सुरक्षा कर सकते थे, तो अपराधी छात्र को मार के चले जाते हैं, पिस्टल लेके क्या करते हैं। इसलिए हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुलपति महोदय से आग्रह है, विनती है कि ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए, लुटेरे प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए। छात्रों का ड्यू हॉस्टल खोलने का मांग है, तो डीसी साहब ने दो महीना पहले से ही कह रहे हैं जो खुल जाएगा, उस पर जाँच हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आए तो वो कह रहे हैं जो चिट्ठी आ गया प्रशासन से, जो खुलवा दे रहे हैं, चिट्ठी भिजवा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं जो पहले आप चल के हॉस्टल खोल दीजिए, उसके बाद आना था अपना काम कीजिए, मीटिंग में जाना है, जहाँ जाना है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं। बात हुई है आपकी डीसी से नहीं, प्रोक्टर साहब से बात हुई है। बोले वो बोले हैं जो अभी हम चलते हैं हॉस्टल खुलवा देते हैं, उसके बाद हम कुछ। आप लोग संतुष्ट है उनके आश्वासन? जी नहीं, जब तक यह कह के उलट जाता है लोग बात जो कहता है, अब फिर 5 मिनट के बाद दूसरा काम होता है, तो उसका कौन भरोसा करता है। छात्रों की वार्ता के बाद अभी आप लोग भी उपस्थित थे ही, और प्रशासन की तरफ से भी दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, DSP साहब और SDM साहब। देखिए दो बातें हैं, एक तो कोरोना पीरियड में सरकार की तरफ से तथा UGC की तरफ से निर्देश था कि छात्रावास को कोरोना को देखते हुए बंद रखा जाए, उसका पालन करते हुए छात्रों को बाहर जाने की अनुमति दे दी गई थी और उसका स्ट्रिक्टली पालन किया गया। उसके बाद अब राज्य सरकार ने निर्देश के साथ छात्रावास खोलने का आदेश दिया है और उसका अध्ययन कर लिया गया है, उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी छात्रावासों को खोल दिया जाएगा, जिससे छात्रों को रहने की सुविधा मिल सके। उनका एक डिमांड VC सर और प्रिंसिपल LS कॉलेज के पास में आया था, और प्रशासन की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक टाउन भी आए हुए थे, छात्रों से बातचीत हुई है। देखिए छात्रावास के जो है वो छात्रों के लिए ही होता है, लेकिन कोरोना काल में छात्रावास को कतिपय कारणों से खाली करा दिया गया था। इस बीच में कुछ विधि व्यवस्था की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी ड्यूक छात्रावास के पास में, इसलिए छात्रावास को बंद कर दिया गया था। नया गाइडलाइन आ चुका है, उस गाइडलाइन के अनुसार से जिलाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त करके छात्रावास को पुनः खोल दिया जाएगा।